डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एल इन द फ्रंट ऑफ सेंटर ऑफ प्लेन मिरर विथ डी विच इज हैंगिंग वर्टिकली ऑन अ वॉल। तो एक प्लेन मिरर है, ये सोर्स है एल डिस्टेंस पर, इसकी विड्थ डी है और ये इस तरह से रखा हुआ है। अ मैन वॉक इन द फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर अलॉन्ग अ लाइन पैरेलल टू द मिरर एट अ डिस्टेंस टू एल एस ऑन द फिगर। ये ऑब्जर्वर है कोई मैन, वो ऐसे मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पर। द डिस्टेंस ओवर विच, इस पर ध्यान दो, द मैन कैन सी द इमेज, क्या देखना चाहता है, इमेज ऑफ द लाइट सोर्स इन द मिरर। सोर्स को नहीं देखना, उसकी इमेज को देखना है। इस पर्सन को कहाँ दिखाई देगी, कौन से रीजन में दिखाई देगी, ये पूछा है। चलिए पहले तो ये बताइए सोर्स की इस प्लेन मिरर द्वारा इमेज कहाँ बनेगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस सोर्स से इस प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो जितना ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसको बैक साइड में एक्सटेंड कर दो, इसी लाइन पर इमेज लाई करेगी। और दूसरा पॉइंट है श्योर करना है, तो जितनी डिस्टेंस पर प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पर आपकी इमेज बनेगी। ये एस इमेज हो गई बेटा आपकी। तो ये कितनी दूरी पर बनी होगी, एल डिस्टेंस पर बनी होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होती हैं सोर्स से मिरर तक की और इमेज से मिरर तक के, इक्वल डिस्टेंस होते हैं। चलिए ठीक है, अब इसका फील्ड ऑफ व्यू देखना पड़ेगा हमें। तो फील्ड ऑफ व्यू देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोर्स से एक लाइट निकालो और मिरर के इस टॉप पर डालना बेटा, ऐसे है ना, और इमेज बना लो इस जगह पे पहले। तो देखो ये लाइट गई, ये इंसिडेंट रे है, और ये ऐसे करके नहीं, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी बेटा। ये कौन सी होगी, रिफ्लेक्टेड रे। अगर सोचो अगर आपका ये प्लेन मिरर नहीं होता तो ये रे हमें ऐसा लगता कि इस वाले पॉइंट से आ रही है, अगर नहीं होता तो ये लग रहा होता कि ये रे इस वाले पॉइंट से आ रही है ना। तो ये रे इस जगह से आती हुई दिखाई देगी हमें यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले एंड पर लाइट डालो ऐसे, ये दूसरे एंड पर डालो, ये इंसिडेंट रे है ना। अब इसकी इमेज बना लो पहले, ये देखो ऐसे, ये गई रिफ्लेक्ट होके ऐसे, है ना। अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता तो ये रे हमें लगती कि इस जगह से आ रही है एस डेस्ते। अच्छा, ये इमेज कैसे बनी सर, देखो ये दोनों कौन सी रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे है। रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको हमें इमेज बोलते हैं, तो ये इमेज है इसकी, है ना। अगर प्लेन मिरर नहीं होगा तो ये वाली रे और ये वाली रे ऐसा लगेगा एस डेस से आ रही होंगी। तो ये वो रीजन है, ये वाला वो रीजन है पी क्यू, मान लेता हूँ डरा तो नहीं कहीं, पी और क्यू। इस रीजन में ही ये ऑब्जर्वर जब आ रहा होगा उसे चीज़ें ये इमेज दिखाई देगी, इमेज दिखाई देगी बेटा, ये इमेज इस जगह पे दिखेगी मिरर के अंदर इस रीजन में, पी क्यू रीजन में। तो हमें ये पी क्यू रीजन ही निकालना है कि कितनी डिस्टेंस है। तो देखो एक काम करते हैं, यहाँ से एक लाइन खींच लो ऐसे, इस डिस्टेंस को आप एक्स मान लो या वाई मान लेता हूँ, वाई मान लो बेटा। अब इस वाई को निकाल लो, कैसे निकालो, तो देखो इस वाले पर तो एस डाल रखा है, यहाँ पर एक पॉइंट डाल देता हूँ मैं एन, और यहां डाल देता हूं एम आप, और यहां डाल देता हूं के, और यहां डलाई है। आपको ट्रायंगल आपको दिखा होना चाहिए एस डैश एन और एम, ये ट्रायंगल दिख गया ये वाला, ठीक है। एंड सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एस डैश के क्यू के, एस डैश के क्यू, ये छोटा ट्रायंगल और ये वाला बड़ा ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। सर आपको कैसे मालूम सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल अगर प्रूव करना है दो ट्रायंगल को उसकी दो प्रॉपर्टियां इक्वल होनी चाहिए। तो चेक कर लो, देखो ये एंगल 90 डिग्री है तो इसमें इस ट्रायंगल में 90 डिग्री है, एक प्रॉपर्टी इक्वल हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, इन दोनों ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल, इस छोटे ट्रायंगल के लिए ये एंगल और बड़े ट्रायंगल के लिए भी ये एंगल सेम है। तो अगर दो प्रॉपर्टी इक्वल हो जाएं तो वो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, और तीन प्रॉपर्टी इक्वल कर दें तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो मैंने तो सिमिलर ट्रायंगल प्रूव किया है। अब सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन लगा लो, तो देखो इसमें इस छोटे ट्रायंगल में लगा रहे हैं वर्टिकल साइड लिख रहे हैं एन एम, जो कि कितनी है बेटा डी वाई टू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ एन एम मतलब डी वाई टू, डी वाई टू क्योंकि ये मिड पॉइंट था बेटा आपका, ये पूरी डी है तो ये डी वाई टू हो जाएगा ये वाला एन एम, बटे इसकी वर्टिकल साइड लिखी छोटे ट्रायंगल की, डिवाइडेड में बड़े ट्रायंगल की वर्टिकल साइड लिखो जो कि कितनी है वाई इज इक्वल टू,
छोटे ट्राइंगल की अगर ऊपर लिखी है तो छोटे ट्राइंगल की लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल साइड लिखो एस डैश एन, तो जो कितना है बेटा एल है, एल छोटे ट्राइंगल की है, बड़े ट्राइंगल की हॉरिजॉन्टल साइड लिखो ये वाली, तो देखो ये एल है, ये टू एल है, तो ये थ्री एल हो गया, तो यहां से एल से तो एल कैंसिल हो गया, वाई इधर ले लें तो वाई इज इक्वल टू आ गया थ्री डी वाई टू, तो वाई आ गया थ्री डी वाई टू। अब तुम देखो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, सिमेट्री है बिल्कुल, ये भी थ्री डी वाई टू आएगा, ये थ्री डी वाई टू है तो ये वाली भी डिस्टेंस थ्री डी वाई टू आएगी, वाई सिमेट्री नहीं दिख रही आपको, ये डी वाई टू था तो ये भी डी वाई टू है, ये एल है और ये थ्री एल है, तो बिल्कुल सिमेट्री है, ये दोनों ट्राइंगल कौन कौन से वाले, ये वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट क्यों है कि देखो ये वाला एंगल बराबर होगा भाई, बाई सेक्टर भी तो है बिल्कुल, ये मिड पॉइंट है, ये कॉमन साइड है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है ना, तो इस वाली कंडीशन में तीन प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, सिमेट्री, ये बिल्कुल एक जैसे ट्राइंगल है दोनों बड़े वाले, इसीलिए ये थ्री डी वाई टू तो ये भी थ्री डी वाई टू, तो इसलिए रीजन जिसमें वो इमेज को देख पाएगा, देखो ये इमेज है, इससे ये लाइट अगर ये मिरर नहीं होता तो ऐसा लग रहा है ये लाइट यहाँ से आ रही है, ये आ रही है, तो बच्चे कहने सर यही दो पॉइंट पे तो लाइट पहुँच रही है, इस सोर्स से कितनी रेज निकलेंगी, इन्फानाइट, बीच में यहाँ पे ऐसे भी जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ये रेज ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, इन्फानाइट रेज निकलेंगी, जो इस रीजन में होंगे सब दिखाई देंगे बेटा इस रीजन में, इसके बाद तुम लाइट को इधर भेजोगे तो वो चली जाएगी बाहर, वो सॉरी रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, सीधी चली जाएगी ऐसे, इस रीजन के बाद मिरर नहीं है, मिरर नहीं है, तो इसीलिए जो रीजन उसे ऑब्जर्व होगा, जो रीजन है जिसमें वो डिस्टेंस जो उसे ऑब्जर्व हो रही है वो डिस्टेंस कितनी है, 3D by 2 plus 3D by 2, that means 6D by 2, 3D, इसका आंसर होना चाहिए 3D, A choice is correct, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।